हरे कृष्णा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इससे पहले कि हम मृदंगा को प्रैक्टिकली सीखने जाएं, उसके पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लॉर्ड की सर्विस में यूज होते हैं, उन्हें बलराम जी का अवतार कहा गया है, और स्पेशली मृदंगा नित्यानंद प्रभु के अवतार हैं, तो इसलिए हमें हमेशा इन्हें रिस्पेक्टफुली रखना है। दो इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को हमेशा अपने बैकग्राउंड में रखना है। पहली चीज, नो, प्रभुपाद की नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत बुक में प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो हमारा एटीट्यूड कैसा है? हम मृदंगा सीख के किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बहुत लोग हमारी वाह वाह ही करें कि ओ इतना अच्छा मृदंगा बजा रहा है, या हम भगवान की सेवा के लिए बजाना चाहते हैं, भगवान को प्लीज करने के लिए बजाना चाहते हैं? तो ये एटीट्यूड जब हमारा रहेगा कि नहीं, मैं लॉर्ड को प्लीज करने के लिए बजाना चाह रहा हूं, तो भगवान ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ब्लेस करेंगे और हम बहुत क्विकली सीख जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वही रूप गोस्वामी का प्रिंसिपल, सेम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक से, उत्साह निश्चया धैर्यात एंथुजियाज्म डिटर्मिनेशन और पेशेंस। ये तीनों रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृदंगा में हमारी बॉडी की एनाटॉमी, हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, हमारा हाथ कैसे सेट होता है, उस हिसाब से आप में से कोई बहुत जल्दी पिकअप करेंगे, आप में से कुछ को थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमको उत्साह निश्चय के साथ साथ धैर्य रख के प्रैक्टिस करनी होगी। श्रीला प्रभुपाद ने ये पूरा मूवमेंट कीर्तन से मृदंगा करताल बजा के शुरू किया। अब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए और टॉमकिन स्क्वायर पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर बस एक करताल और सिंपल सी डफली जैसा वो लेकर प्रभुपाद कीर्तन करते थे, और ये कीर्तन से उन्होंने इतना बड़ा हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन सोसाइटी को खड़ा किया। ये एक इंस्ट्रूमेंट सीखने से आपका इन्वॉल्वमेंट कीर्तन में कितना बढ़ जाएगा। एक तो है कि हम सिंपल गाएं और ताली बजाएं, और एक ये एक हमारे लिए एक हुक है, जैसे कि है ना, हम बोट में ट्रैवल कर रहे हैं और बोट में पानी में वो बोट बहुत हिल रही है, अगर वो ज़्यादा ज़्यादा हिलेगी तो हमारे पानी में गिरने का खतरा है। लेकिन अगर हमने कोई हुक को पकड़ लिया, वहाँ पर किसी स्टैंड को पकड़ लिया, तो हम वहाँ पर हिलती हुई बोट में भी स्टडी हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में ये जो है मृदंगा करताल, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे लिए एक हुक के जैसी है, जो हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में, डिवोशनल लाइफ में हमको होल्ड करके रखे। तो इस तरह से बहुत आसान वे में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। बस लाइफ में एक ही बार सीखना है, बहुत पेशेंस रखे, साथ साथ धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए, साथ में मृदंगा लीजिए। सिर्फ ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।